नमस्ते, मकराना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर मकराना से। ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष हुसैन लीलगर के नेतृत्व में प्रदेश मीडिया प्रभारी कमल किशोर माथुर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पारासर, प्रदेश सचिव ताहिर अजीज, अजमेर जिला अध्यक्ष महबूब बहलीम, जयपुर जिला अध्यक्ष महराजुद्दीन कुरैशी, अयुब खान साहब शेरू द्वारा, महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा का उनके निवास जाकर 15 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कर दिया गया। महेंद्र चौधरी ने सभी का सम्मान करते हुए कहा, आप सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करते रहेंगे और मजबूत बनाने को कहा। खबर मकराना से। गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति राजघाट नई दिल्ली से संबंध संस्था कमला देवी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान मकराना से पंजीकृत परीक्षार्थियों की प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में डिप्लोमा परीक्षा का 2 दिवसीय आयोजन प्रिंस महिला विद्यालय में हुआ। महाविद्यालय परीक्षा में हरियाणा के रोहतक व सोनीपत, राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा एवं सीकर के जिले के 89 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। कुचामन आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नितेश जैन ने मौखिक एवं प्रोजेक्ट परीक्षा ली। संस्थापक के निदेशक अरुण दायवा ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के बढ़ते महत्व को देखते हुए कमला देवी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान की स्थापना नागौर एवं आसपास के विद्यार्थियों के लिए मकराना में ही की गई थी, जिससे कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की जानकारी घर घर पहुंच सके। इस वर्ष परीक्षा में न केवल नागौर के मकराना, कुचामन और डिडवाना क्षेत्र के विद्यार्थी संस्था से जुड़े, बल्कि हरियाणा के रोहतक व सोनीपत एवं राजस्थान के जयपुर व अन्य जिलों के भी विद्यार्थी संस्थान से पंजीकृत हुए। परीक्षा इस वर्ष जून से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन एवं लॉकडाउन के चलते इसे उस वक्त स्थगित कर दिया गया था। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा के प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 34, द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 41 व अंतिम वर्ष की परीक्षा में 4 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षार्थियों के केंद्र पर प्रवेश पूर्व तापमान की जांच की गई। मास्क नहीं होने पर मास्क वितरण कर एवं हाथों को सैनिटाइज करने का प्रवेश दिया गया। परबस्तर पत्रकार संघ की बैठक मंगलवार को डाक बंगले में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसहमति से चुनाव संपन्न करवाकर कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसहमति से जगदीश सिंह बाजवास को पत्रकार संघ परबस्तर का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी का गठन करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश ढाका व उपाध्यक्ष पद पर राम अवतार वैष्णव, दामोदर पारिक, सचिव पद पर सुरेंद्र पारिक, सह सचिव पद पर दिलीप सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर सुनील सोनी व कार्यकाल प्रभारी सुभाष पारिक को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। परबस्तर पत्रकार संघ के सदस्यों ने कार्यकारिणी गठन के पश्चात सभी पत्रकारों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया व नवगठित कार्यकारिणी को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश सिंह की अध्यक्षता में पत्रकारों हितों के लिए निर्णय के लिए लिए गए, जिसमें पत्रकार भवन को सही करवाना, पत्रकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, साथ ही सरकारी व जनप्रतिनिधियों के बिना निमंत्रण के किसी भी कार्यक्रम में कवरेज नहीं करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष जगदीश सिंह बाजवास ने कहा कि इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, साथ ही पत्रकारिता के स्तर को अधिक सुदृढ़ एवं मजबूत करने व पत्रकार एकता पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान दीनानाथ योगी, पूनम चंद शर्मा, धर्मनारायण केरापा, महराम चौधरी, जुगल शर्मा, अनिल बंजारा, सुनील कल्ला, दिलीप सिंह, राम अवतार वैष्णव, दामोदर पारिक, सुभाष पारिक भी मौजूद रहे।
खबर परबस्सर से। परबस्सर उपखंड के बड़ू कस्बे के छिपोलाई तालाब ने समाज के कुछ लोगों द्वारा गौचर भूमि पर दो बीघे में अतिक्रमण कर जाली लगाने की घटना के बाद गांव में आक्रोश उपज गया। इसके विरोध में बाजार बंद होने के साथ साथ उद्वेलित ग्रामीण बड़ी तादाद में पहले गांवों के गढ़ में एकत्र हुए, जहां से सभी गौचर क्षेत्र पहुंच गए। जोरदार भीड़ उमड़ने के बाद माहौल बिगड़ने को लेकर सात थानों का अतिरिक्त जाब्ता व परवस्तर से प्रशासनिक अधिकारी बड़ू पहुंच गए और अतिक्रमण हटाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। इस मामले में बड़ू सरपंच सहित छह के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर ग्रामीणों ने गच्छीपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार बड़ू के छिपोलाई तालाब में 14 अगस्त की शाम को कब्रिस्तान के सामने एक समाज के कुछ एक लोगों ने दो बीघा गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर वहां खंभे में जाली लगाकर पौधारोपण कर दिया, जिस पर ग्रामीण लामबद्ध हो गए और अगले दिन रविवार को सुबह 9 बजे ग्रामीण सदर बाजार में एकत्रित हुए, जहां सभी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और सभी बिरमाराम फलदोड़ा छीतर सिंह पवार के निर्देशन के सदर बाजार स्थगित गढ़ में एकत्र हो गए, जहां ग्रामीणों ने अतिक्रमण स्थल की और बड़ी संख्या में कूच किया। बड़े विरोध के बाद पुलिस थानों का अतिरिक्त जाब्ता भी बोड़ू पहुंच गया। साथ ही डेगाना डिप्टी नंदलाल सैनी, परबस्सर उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट, तहसीलदार जगराम मीणा, परबस्सर सीआई रूपाराम चौधरी, डेगाना सीआई सुभाष पूनिया सहित बड़ी तादाद में पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और गौशाला के अंदर एक बैठक आहूत कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया। अपराह्न बाद जेसीबी के सहयोग से प्रशासन ने रातोंरात किया अतिक्रमण हटवा दिया। ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण में बड़ू सरपंच सुरेश माली पुत्र मोतीलाल, ओम प्रकाश माली पुत्र गंगाराम माली, अयुब पुत्र याकूब कुरैशी, अबरार पुत्र दाऊद कुरैशी, कासम पुत्र मुनीर कुरैशी, हसन पुत्र लालू कुरैशी, नवाब पुत्र मजीद बंदुकिया सरवर पुत्र सहाबुद्दीन तैली, बशीर पुत्र इशाक मोहम्मद, कबीर पुत्र मऊद सहित 8-10 के खिलाफ गच्छीपुरा थाने में सोमवार को रिपोर्ट देकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करवाया है। खबर मकराना से। मकराना नगर परिषद एवं ठेकेदार की संवेदनहीनता एवं उदासीनता के कारण आईएएस मार्केट में सड़क निर्माण का कार्य समय पर पूरा नहीं करने से व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। आक्रोशित व्यापारियों एवं वार्ड नंबर 11 के लोगों ने आज सुबह आईएएस मार्केट सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया और नगर परिषद एवं ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान वार्ड पंच विकास सोलंकी भी मौके पर पहुंच गए और व्यापारियों को दुकानदारों की समस्या को सुना। दुकानदारों ने कहा कि एक माह पूर्व सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें ठेकेदार के द्वारा सड़क खोदकर 10 दिन तक ऐसे ही कार्य बंद कर दिया गया। उसके बाद व्यापारियों के कहने पर दबाव डालने पर पुनः वापस कार्य शुरू किया गया। ठेकेदार द्वारा बीच में ही कार्य बंद कर देने से व्यापारियों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आमजन और राहगीरों को मुख्य रोड के होने के कारण आवागमन में बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी माह में रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी सहित अनेक धार्मिक पर्व हैं। दुकानदारों की ग्राहकी का वक्त है। ऐसे समय में सड़क मार्ग बंद होना, समय सीमा से ज्यादा समय लगने के कारण निर्माण कार्य नहीं करना नगर परिषद एवं ठेकेदार की संवेदनहीनता और उदासीनता को प्रकट करता है। वार्ड पंच विनोद सोलंकी ने नगर परिषद पर निर्माण कार्य में देरी करने का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण में अधिक समय का उपयोग कर एवं समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। जाम की सूचना पर पुलिस थाना मकराना के सब इंस्पेक्टर महेंद्र खींची दल बल सहित मौके पर पहुंचे और व्यापारियों दुकानदारों से समझाइश की। बाद में दुकानदारों ने रास्ता खोला एवं आगे की कार्यवाही करने का निर्णय लिया। जैसा कि मार्केट वालों ने ये कहा है कि भाई ठेकेदार द्वारा जो रोड बनाई गई है उसको 28 दिन पकाऊंगा, जबकि नगर परिषद ने ये कहा गया है कि 28 दिन बाद में ठेकेदार का पेमेंट होना है। अगर 28 दिन बाद ये रोड फूटती है या इसमें कंक्रीट निकलती है या घटिया किस्म की होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नगर परिषद होगी या ठेकेदार खुद होगा? लिखित में कौन दे रहा है वो बता दो हमारे, तब तो 28 दिन ये रोड बंद रह जाएगी, नहीं तो ये रोड खुलेगी।
को यहाँ से खुद के चालू हुई थी और आज 15-10 तारीख के बाद ये बनने चालू हुई थी। अब इसका क्या सलूशन है जो हमारे को बताओ, आगे काम हम करेंगे। कितने दिन हो गए इसको? खोलो या नहीं खोलो हमारी कोई मर्जी नहीं है। तो इसमें ठेकेदार आपको क्या कह रहा है और ठेकेदार क्या कह रहा है? और अखबार में डेली आ रही है ये बात, ये नहीं आ रही है अखबार में, डेली आ रही है पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका में डेली आ रही है ये बात। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।